मध्य भारत के सबसे बड़े एवं आधुनिक साजो सामान से युक्त एकमेव अम्यूजमेंट पार्क के रूप में जानी जाने वाली द्वारका वाटर पार्क की शोभा बढ़ाने के लिए और अम्यूजमेंट पार्क में रोमांच को और बढ़ाने के उद्देश्य से रोमांचकारी स्काई वॉक और बंजी जंपिंग का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पशु संवर्धन, दुग्ध विकास एवं क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अम्यूजमेंट पार्क हमेशा ही हर किसी की आकर्षण का केंद्र रहते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को अम्यूजमेंट पार्क में जाना अच्छा लगता है। इसी चीज को समझते हुए मध्य भारत के सबसे बड़े एवं आधुनिक साजो सामान से युक्त अम्यूजमेंट पार्क के रूप में जानी जाने वाली द्वारका वाटर पार्क में सैलानियों के रोमांच को और बढ़ाने के उद्देश्य से स्काई वॉक और बंजी जंपिंग का रविवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए द्वारका वाटर पार्क के संचालक धर्मा रमानी ने कहा कि लोगों का मेरे माध्यम से जितनी खुशियां दे सकूं ये मेरी कोशिश है। उनका कहना था कि द्वारका वाटर पार्क में जो स्काई वॉक है वो शायद देश का सबसे बड़ा स्काई वॉक है। इसके बारे में बस लोगों को जितनी खुशियां दे सकूं ये कोशिश है मेरी आज 5-6 साल से। तो 5-6 साल से जी जान तन मन धन से लोगों की सेवा के लिए, खुशियों के लोगों को मिलना चाहिए, इसके लिए बनाया हूँ मैंने। और मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा स्काई वॉक मेरे यहाँ पे है, जो इंडिया में कहीं भी नहीं है। मैं चाहता हूं और जितनी खुशियां दे सकूं लोगों को उसके लिए और जो बना सकता हूं। अभी गोवा बीच का काम चालू है, गोवा बीच यहां बनेगा और पूरे जितने लोगों के सपने हैं वो साकार यहां होंगे। और अच्छे खेलकूद की जितनी भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकता मैं करने में यानी सक्षम हूँ और मैं करूँगा लोगों के लिए। इसके लिए मैं पूरी जनता का सहयोग चाहिए, जनता मुझे इसी तरह प्रेम देते रहे, आते रहे यहाँ। बस इतने ही दो शब्द कहूँगा और जनता से कहूँगा अपनी खुशियाँ बटोर लें यहाँ आकर। द्वारका वाटर पार्क में शुरू हुए स्काई वॉक और बंजी जंपिंग का राज्य के पशु संवर्धन, दुग्ध विकास और क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार के हाथों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए सुनील केदार ने द्वारका वाटर पार्क के संचालक धर्मा रमानी को शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि आने वाले समय में ये एडवेंचर पार्क बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क होगा। ये पार्क बनाया गया है धर्मा भैया ने, धर्मा भैया ये सारे खुशियाँ उस सारे परिवार को दे रहे हैं। जब बच्चे यहाँ पे हंसते हैं तो हर माँ बाप खुश होता है। इतनी सारे उनके पास दुआएं, इतने सारा वेल विशेस उनको हर साल हर जन्म में मिलते रहे। ये एडवेंचरस पार्क विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन सेंट्रल ऑफ इंडिया, इतना मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर सुनील केदार ने सभी चीजों का निरीक्षण भी किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।